नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद के सिवली बाजार में यूबीआई की शाखा को बंद कर दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने के विरोध में एक बार फिर ग्रामीणों ने शाखा कार्यालय का घेराव प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस व बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांति कराया। निजामाबाद के सिवली बाजार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा काफी पुरानी है। बैंक में करीब 15,000 सेविंग, 350 करंट अकाउंट, 8,000 लोन, 1,124 एफडी है, लेकिन किन्हीं कारणों से बैंक ने इस शाखा को बंद कर नगर के विलेसा में मर्ज करने का फैसला किया। बैंक ने नोटिस लगाए जाने के बाद से उपभोक्ता आक्रोशित हैं। बीते सोमवार को उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसडीएम ने बैंक के अधिकारी से बात कर मामले को हल निकालने की बात कही थी, लेकिन छठवें दिन उपभोक्ता ने एक बार फिर घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन यहां बैंक ही बंद किए जा रहे हैं। बैंक के बंद होने से उसे दूसरी शाखा में जाने का समय, धन की बर्बादी के साथ रुपए के छीने जाने का खतरा है। वही बैंक के अधिकारी ने बताया कि बैंक नहीं बंद होगा बल्कि सुविधाएं बढ़ेंगी। पहली तारीख को हम लोग धरना में आए तो उस दिन भी सर यही कह के खुलवा दिए कि खोल दीजिए। अधिकारी आ गए हैं और खुल बैंक यहाँ से नहीं जाएगा, आप लोग को लिखित मिलेगा। उस दिन से 4 दिन का टाइम मांगे थे, आज तक 4 दिन का 6 दिन हो गया, अभी टाइम उनका नहीं पूरा हुआ। और नहीं यहाँ से बैंक का मतलब कोई कागज भी मिला हम लोगों को, तो यहाँ से बैंक जाने की सुविधा फिर हो गई। प्लानिंग बन रही है, तो इसलिए चला जाएगा तो कितनी लोगों को असुविधा होगी। सर 40-35 गांव का इसमें खाता है और सबके लिए परेशानी है। आसपास और कोई बैंक नहीं है? आसपास कोई बैंक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब बैंक जाना था तो क्यों यहाँ पे खुला? वजह क्या बताई जा रही है? वजह हमको ये भी नहीं मालूम क्यों यहाँ से जा रहा है, ये तो नहीं मालूम है। लेकिन बैंक यहाँ से ले जाना था तो बैंक यहाँ क्यों खुला, और खुला तो जा क्यों रहा है? इतने दूरी में हम लोग आते हैं पैसा निकालने, पास में स्कूल है और यही पास में गांव है। गांव सेमरा गांव से मैं आई थी एक बार और स्कूल में जमा करने का फीस 40,000 यहाँ से पैसा निकाली और निकाल के मैं लेकर जा रही थी और रास्ते में दो लोग बाइक से आए, पैसा छीनने का काम किए थे, लेकिन पैसा छीन नहीं पाए। अगर वहाँ चला जाएगा तो हम लोग औरत जात कैसे पैसा निकालने जाएंगे, और 40-50 रुपया भाड़ा, 100 रुपया भाड़ा लगा के कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? और 2 दिन हम लोग भाड़ा लगा के यहाँ पे आए हैं और 2 दिन अपना आकाज यहाँ अपना काम छोड़ के आए हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना खाता तोड़ेंगे, बैंक पे कुछ कार्रवाई करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो हम लोग जनता के जो समझ में जो आएगा वही कर। क्या दिक्कतें हुई हैं? ये दिक्कत है साहब कि हम लोगों ने वहाँ से दूर से अवल जाला और जब हम लोगों का किशनदासपुर बैंक रहा तो ये साहब लोगों तोड़वा के यहाँ करवा दाने, तो नजदीकी के मारे हम लोगों यहाँ अवल गए। अब साहब यहाँ से लेके जाता हमने सम्मो को सखी सब जने हमें तो 6-7 मेहरारू उतना दूर है कैसे जाइए किराया बढ़ा, फिर भी वहाँ से पैसा सब लेके आई साहब। अगर बीच में छिनैती हो गया क्योंकि देवे के रही सरकार लून दे लाख तो हम लोग लेके अपने बाटल, अगर बीच में छिनैती हो गया हम लोग कहाँ से भरपाई करल जाए साहब, ये हमारी दिक्कत है। हम साहब यही चाहते हैं कि हमारा बैंक यही रहे। बैंक से अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम लोग साहब ये कहते कि बैंक साहब जी आ रहे थे लिखित कह दे कि बैंक यहाँ से ना जाए, वो नहीं लिखने बोलते हैं, हम नहीं लिखेंगे साहब। हम लोग जब यहाँ लिखित होगी हाँ यहाँ पर जो है आते हैं तो हंसते बात करते हैं, फिर उसके बाद कोई जेल से छू जाता साहब उससे झगड़ा करते हैं। क्यों? अगर कोई जेल से लड़का छू देता है इतनी भीड़ में कोई आदमी नहीं छुएगा तो साहब क्यों इतना झगड़ रहे हैं लड़के से? प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कारण है आपको? कोई नहीं सर, सुविधाएं तो अभी बढ़ाई जा रही है, बैंकिंग जितना बड़ा देखिए बैंकिंग जैसे बीसी है, बिजनेस कॉरपोरेंट है, बैंक तो वही तो बोल रहा हूँ आप चलिए खोलिए उसको सुविधाएं। अरे भाई आप उसको नहीं बैंक बंद नहीं, आखिर महिलाओं का आरोप है कि 3 मई को बैंक आज चला जाएगा, क्या कारण है? कह रहे हैं कि एक हफ्ते से बैंक नहीं खुल रहा है। बैंक तो खुला हुआ है देखिए, बैंक अभी ये लोग अरे अरे यहाँ के लोग ही नहीं खोले दे रहे ना। 3 तारीख को बैंक यहाँ से चला जाएगा सर, कौन खुलवाएगा कोई? सर सर क्या कहना है सर जी? बताइए ना, बताइए आप ये है ना, यहाँ बताइए आप यहाँ के नामिंदे है ना, बताइए। अरे सुनिए यहाँ देखिए सुविधाएं कोई कम नहीं होंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, सुविधाएं कम कोई नहीं होगा, ये आश्वासन पूरा है। क्या क्या बढ़ाएंगे आप? डिजिटल है ना, डिजिटल देखिए पूरा डिजिटल, 6-6 बीसी बनाए गए हैं, एक एक ब्रांच में सोच के 6-6 बीसी, 7-7 बीसी सिस्टम है, और भी बीसी बढ़ाएंगे।
जितने भी जितना भी लोग कम बढ़ाएगा उतना बढ़ाए जाएंगे बीसी, बीसी कम नहीं करेगा। अरे ब्रांड भी है, बीसी भी है, ब्रांड तो देखिए बताइए सर, बताइए सर। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।